आज जो हमारा मुद्दा है, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है यूक्रेन में हम स्टडी के लिए अगर जाएं तो कौन सी यूनिवर्सिटी का चुनाव करें और हम वो चुनाव कैसे करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो मैं सबसे पहले आपको, एक यूनिवर्सिटी है यूक्रेन में जिसका नाम है लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो स्थित है, ये है लवीव ओब्लास्ट कहा जाता है इसे। ये एक लवीव जो ओब्लास्ट है, ये एक बहुत बड़ी सिटी आप मान सकते हैं यूक्रेन की। और इसकी जो अनुमानित डिस्टेंस है आपको कीव से, कीव जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, तो वो अनुमान आपको ट्रेन से 8 घंटे का डिस्टेंस है और फ्लाइट से आपको 1.5 घंटे के करीब लगता है। तो जो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1784 ईस्वी में। और इसकी जो लोकेशन है, ये है लवीव में स्थित है। तो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन साझा कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये है 200। नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पर अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, वो है 484 के करीब। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि एजुकेशन ले रहे हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो वो है 2786। तो ये है। तो अब एक प्रोबेबल क्वेश्चन ये भी आता है कि ठीक है, अगर आपने बता दी कि इतने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं लवीव में, लेकिन जो इनकी एजुकेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कौन सी है, इनकी फैकल्टी क्या है। तो मैं अब इस पे आता हूँ। जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, वो है 78 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि आपकी 48 क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे कि आप एज एन इंटर्न प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी आपको फैसिलेट करती है। एकेडमिक बिल्डिंग भी है इनके पास 14। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनके पास 41 एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ की बच्चे अपनी इंटर्नशिप को पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब डिपार्टमेंट की बात आती है, तो यहाँ पे एक सेपरेट ऑन्कोलॉजी की डिपार्टमेंट है, ठीक है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, डेंटिस्ट्री की डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा XYZ मैक्सोफेसिकल या जो भी आप लेरेंजियोलॉजी, जो भी डिपार्टमेंट आप सुपर स्पेशलिटी डिग्री की बात हो या कोई भी डिपार्टमेंट की बात हो, तो वो आप वहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सबसे जो मेन मुद्दा आता है कि लोग ये पूछते हैं कि अगर वहाँ हम जा रहे हैं तो एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपकी 8 स्टूडेंट हॉस्टल्स भी हैं, यहाँ पे सैनिटोरियम भी है, स्टूडेंट कैफे भी है और कैंटीन्स भी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जब बात आती है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब भी हैं, और इसके अलावा हेल्थ रिकवरी कैंप है, जहाँ पे कि अगर आपको थोड़ा सा वर्क प्रेशर हो या स्टडी प्रेशर हो, तो आप अपनी प्रेशर को कम भी कर सकते हैं उस कैंप में जाके। वहाँ डिफरेंट मॉड्यूल प्रोग्राम चलती है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी का। जहाँ तक रिसर्च की बात हो कि कुछ यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको रिसर्च करने की इच्छा ज़्यादा उनके अंदर होती है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक आपको इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी का एक रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पे एक सेंटर और है, जो कि कहा जाता है एंटी कैंसर ड्रग टेस्टिंग लैब, जहाँ पे कि कैंसर जैसी बीमारी का वहाँ पे शोध होता रहता है कि कैसे इस बीमारी से हम निजात पा पाए। अब जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात में एक और डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो है लाइब्रेरी की। तो लाइब्रेरी में यहाँ पे कम से कम 5,35,000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स हैं, जो कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड है सिर्फ। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि अगर आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत हो, एक्सटर्नल लिंक की ज़रूरत हो बायोलॉजी से रिलेटेड या जूलॉजी से रिलेटेड या एनाटॉमी से रिलेटेड, तो वो आप ले सकते हैं। रैंकिंग का मुद्दा आता है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। तो इसकी फ़िलहाल की रैंकिंग है 2800 पूरे वर्ल्ड में, और ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है यूक्रेन की, और ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है पूरे यूरोप में या पूरे वर्ल्ड की हम बात कर ले। जहाँ तक फैकल्टी एंड स्टाफ की बात आती है, तो करीबन यहाँ पे 500 स्टाफ हैं, जिसमें कि 323 प्रोफेसर्स हैं और 111 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और बाकी लैब टेक्नीशियंस वगैरह जो हैं, जो कि आपको क्लिनिकल लैब्स वगैरह में अवेलेबल होंगे। जो एजुकेशन मार्किंग सिस्टम है यहाँ की, कि आपको अगर एजुकेशन आप ले रहे हैं, तो जैसे इंडिया में एक मार्किंग सिस्टम होती है कि 100 में आपको 90 नंबर दिया गया या 80 मार्क्स दी गई, तो यहाँ पर जो सिस्टम फॉलो होती है, उसे कहा जाता है क्रेडिट मॉड्यूल सिस्टम,
कि इसमें ये होता है कि आपने अगर किसी चीज़ का एग्जामिनेशन दिया वहाँ पे, अगर बात मान ले कि आपने बायोकेमिस्ट्री की एग्जामिनेशन दी, तो उस कंडीशन में आपको कुछ पॉइंट्स आपको क्रेडिट सिस्टम आपके आपके जो टीचर होंगे जो कि वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे वो देंगे आपको। उसके बाद जो आपकी एक रिटर्न पेपर होगी उसके बेसिस पे भी आपको दी जाएगी, और कुछ चीज़ें आपको पॉइंट्स आपकी क्लिनिकल एक्सपोजर पर दी जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की कनेक्टिविटी क्या है, तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है आपको लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से, उसकी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी कैंपस से मात्र 10 किलोमीटर की है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट या गार्जियन ये तत्पर हो कि हाँ मुझे अपने बच्चे को MBBS करानी है, तो हमारे तरफ से ये सीधा सा निर्देश रहेगा आपको कि आप बिल्कुल लवीव नेशनल मेडिकल के तरफ देख सकते हैं, बेहतर एजुकेशन सिस्टम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर।